अस्सलाम वालेकुम भाइयों दोस्तों, सब लोग खैर खैरियत से हैं। इस वक्त हम लोग आए हुए हैं कराची के माशाल्लाह एक बड़े शौकीन के पास, जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रॉस के अंदर बछड़े लाते हैं और अपना शौक पूरा करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है सना भाई, कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, जैसे ही लोग जुड़ते जाते हैं तो फिर आपसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह हम लोग। और फिर जो आप जिस तरह का शौक एक ज़माने से करते आ रहे हैं, जब हम आपको जानते भी नहीं थे तब से हम लोग देखते हैं, हम शायद इतने इतने होते थे, तस्वीरें मिल जाती थी देख लेते थे, जब पेज बनाया तो फिर शौक लोगों तक भी पहुँचाया। अभी इंशाल्लाह लोग जुड़ जाते हैं तो फिर सवाल जवाब भी करते हैं और घर बैठे लोगों को शौक दिखा के इन्जॉय भी करा सकते हैं। फैजी, आप अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? मैं उनको कहूँगा कि अगर बेहतरीन ऑस्ट्रेलियन देखने का आवाज़ ना जाए, मैं ये कहना चाहूँगा अगर आप लोगों को बेहतरीन ऑस्ट्रेलियन देखने हैं तो एज़ यूजुअल हमेशा सना भाई एक लेके आ रहे होते हैं बेहतरीन किस्म के ऑस्ट्रेलियन। आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में नज़र भी आ रहा होगा, मौजूद में बेहतरीन और रंग का भी बेहतरीन बछड़ा है। अच्छा शारिक भाई, बात बताएं, आप हमेशा जो है वो बाहर जानवर उतारते थे, इस साल आपने अंदर उतारा। मेरे ख्याल से सेटअप तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसकी कोई बुनियादी वजह? यार असल में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया है भाई, कि वहाँ पे गवर्नमेंट की जगह थी। सही है। तो उन्होंने गेट लगा दिया इस बार में। ठीक है। तो उनसे बात बात करी थी, उन्होंने ज़्यादा दिन बांधने की। सही है। इस वजह से इस बार अंदर बांधने कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जगह मिल जाए। सही है। नेक्स्ट ईयर वापस से बाहर बांधने। लेकिन एक तरह का सुकून आपको हो गया होगा, कोई तंग नहीं कर रहा होगा जो पहले? बड़ा फर्क पड़ा है भाई। सही है। मुझे वरना जो मोहल्ले वाले बड़ा एतराज़ कर रहे थे उस चीज़ से। सही है। जगह में रश हो जाता है, उनको जगह नहीं मिलती आने जाने की। सही है। तो उस पर बड़ा एतराज़ कर लोगों को। चले, एतराज़ ख़त्म भी हो गए हैं। हाँ। और आपसे बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप जो क्रॉस के इतने शौकीन हैं, तो आपको ये शौक कैसे लगा क्रॉस का? बस यार बचपन से ही, शुरू से ही घर में क्रॉस बैल आते थे। सही है। तो बचपन से ही क्रॉस बैल देख देख के, तो वो तुम ये सब बता सकते हो कि एक चीज़ की कमी है फोटो में? बताओ उनके बारे में बताओ। ऊँट तो सना भाई ने बताया, बस इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर, जैसे ऊँट भी एक दो दिन के अंदर ले आएंगे तो इंशाल्लाह हम दोबारा भी यहाँ पे आके उनको भी इंशाल्लाह एक और एपिसोड भी करेंगे। बिल्कुल, जरूर जरूर करिएगा। अच्छा, जो लोग कॉमेंट्स करते जा रहे हैं कॉमेंट्स भी लेते रहो। हाँ। अच्छा, जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग थोड़ा सा एक गपशप कर रहे थे ताकि लोग जमा हो जाएँ, उसके बाद आपको यहाँ का कलेक्शन भी दिखाएंगे और जो क्रॉस बछड़े के शौकीन लोग हैं उनको घर बैठे इस शौक को भी पूरा करने की कोशिश भी की जाएगी। पहले का कुछ कहना है तो कहो या फिर स्टार्ट करें? अब दिखाते हैं आपके बछड़े। दिखा देखें, माशाल्लाह लोगों से बात भी करते हैं। तो सना भाई, ये किस फॉर्म से आपने लिए? कुछ इंट्रोडक्शन भी लेते रहते हैं सना भाई। सना भाई, तो फिर आपने ये किस फॉर्म से ये बछड़ा लिया? क्या ये ट्रांस कैटल से लिए? फोन कर लो। जी जी, फोन कर लो। बेहतरीन ट्रांस वालों की इस बार पहली एंट्री है और बछड़े के साइज़ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, जिन जैसे बछड़े हैं भाई। इन्होंने अपने इवन पट्टों पे भी वही लोगो डाला हुआ है ट्रांस पर। बेहतरीन। एक और बछड़ा भी है, हम दिखाते हैं। माशाल्लाह, अभी ये खुलेगा तो और बेहतरीन नज़र आएगा। इसकी लेंथ जो है रोहित, ज़रा तुम वहाँ जाके खड़े हो ना, ताकि लोगों को आइडिया दो बछड़े की लेंथ कितनी। तो नहीं शुरू से लेंथ हाइट वगैरह तो माशाल्लाह से देखी मेरी, इसमें बड़े बड़े बछड़े आने लगे, वरना पहले तो पहले क्रॉसी होते थे इतने बड़े, तो अब मेरा भी दिल करने लगा है कि ये भी है। मैंने सिब्बी वगैरह उठाए हैं, वो भी हाइट की वजह से। शायद दो तीन साल पहले आपने नुकरा भी एक ही था बड़ा बड़ा। ये है कि ब्रीड एंगस हो गई और ये मुझे शरीर की ब्रीड ज़्यादा बनाती है। इवन ये कि मेरी फैमिली में भी किसी को देसी वगैरह पसंद नहीं आते, यही सब कुछ ऑफिस होते हैं।
तो इनमें से किसी एक को आप खुलवाते भी हैं। यही वाला लग रहा है, ये पीछे आप देख सकते हैं बकरों का पूरा एक रेवड़ खुला है माशाल्लाह से, बकरे ही बकरे हैं भाई माशाल्लाह भाई, वाकई में चौक का कोई मोल नहीं है। आप देख सकते हैं ठीक ठाक बकरे हैं और इनके गार्डन में घूम रहे हैं सारे। माशाल्लाह अभी वो ये जा रहे हैं जब तक रोहित, ठीक है जब तक इसको खुलवाने की बारी आती है मैं आपको ज़रा बकरे और सही तरीके से दिखा देता हूँ। शहरयार क्वेश्चन मार्क भेजा हुआ है, मैं तुम्हारा कमेंट लेना भूल गया हूँ, मुझे दोबारा से बता दो ताकि मैं उसका जवाब दे सकूँ तुम्हें। अरे कोशिश यही है कि यार जो लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और उन लोगों को शौक भी पूरा करना है तो उनके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि उनका शौक घर घर जाके वर्चुअली आप लोगों तक पहुंचाया जा सके और उनको दिखाया जा सके। पहले कहाँ पे लेके आना है? वहाँ पे, हाँ ठीक है बिल्कुल सही बिल्कुल सही। माशाल्लाह हाँ अभी दो ही आए हैं, ऊँट भी इंशाल्लाह एक दो दिन में आ जाएंगे तो उसके बाद भी हम लोग आएंगे तो पूरा आपको दिखाएंगे। इस तरफ मैं लेफ्ट तरफ खड़े हो जाऊं, यूं टर्न होगी, फेस इधर कर लो। बछड़ा सही खड़ा हुआ है, तुम बस यूं खड़े हो जाओ, यूं कर दो। अब माशाल्लाह बछड़े का वजूद चेक करें, शौक चेक करें, पलाई चेक करें, बेहतरीन लाजवाब माशाल्लाह सारी है। एक बार ऐसे ही रहना, मैं देखने की कोशिश करूँ। अस्सलाम, ये सना भाई के बच्चे हैं, ये जो एक ज़माने से फरहान सोसाइटी में आते हैं ये वहीं पे ही हैं लेकिन इस बार उन्होंने घर के अंदर बांधे में, तो लोगों को अगर एक्सेस नहीं है तो इसलिए हम लोग इसकी वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसको थोड़ा सा और आगे लेकर आ जाओ क्योंकि लाइटिंग यहाँ पे सही आ रही है। अच्छा वो भाई जो इस वक्त रात के 2 बजे भी हम लोगों को लाइव देख रहे हैं, मुझे ये भी कंफर्म करते रहें कि यहाँ पे वीडियो क्वालिटी आप लोगों को सही मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सितवत बिल्कुल सही कह रहे हो आप, तो वाकई कैमरे में भी पूरा नहीं आ पा रहे, कोशिश हम यही कर रहे हैं आगे पीछे होके कि पूरा दिखाया जा सके। माशाल्लाह सना भाई, इस दो के अलावा भी आप और लाओगे या फिर दो इससे और दो ही बाकी अगले साल? ठीक है बाकी ऊँट इंशाल्लाह कुछ इंशाल्लाह। ये फरहान सोसाइटी में आए हैं लेकिन घर के अंदर हैं तो आप लोगों को एक्सेस शायद ना मिल पाए इसलिए हम आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं। ये हमेशा वरना फरहान सोसाइटी में बाहर बंधे हुए होते थे सना भाई के घर पे। हाँ वॉक कराओ। अरसलान इंशाल्लाह ताला आज यहाँ से फ्री हो जाएं तो फिर कल की उम्मीद है कि कल अस्करी 4 भी जाके आप लोगों को वहाँ के लाइव दिखाएंगे। नोमी कैनल बिल्कुल सही कह रहे हो, दोरा जी पे ही आए हैं ये, एक ज़माने से सना भाई के यहाँ जो फरहान सोसाइटी में आते थे वही बछड़े हैं लेकिन घर के अंदर बंदे में। मुजम्मिल आगे से चलाते हुए लेके आ जाओ। थैंक यू।
यू सो मच रिशान कंफर्मेशन के लिए। साकिब बिल्कुल दो ही आए हैं इस बार, दो ही आएंगे, बाकी नेक्स्ट ईयर आएंगे इंशाल्लाह। बाकी जो ऊँट वगैरह है वो एक दो दिन के अंदर यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं दोबारा यहाँ पे आके कवर जरूर करूँगा। हाँ मुइज़ रुक गए हैं, इसी वजह से रुक गए हैं। माजिद क्वेश्चन मार्क भेजा हुआ है, दोबारा क्वेश्चन पूछ लो मुझे, मैंने तुम्हारा कमेंट भूल गया हूँ। वाला बछड़ा आप लोगों के लिए लेके आते हैं। अली इतना देखो प्राइस नहीं बता सकते क्योंकि हम लोग शौक का कोई मोल नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ शौक की बात की जा सकती है, पैसों की बात ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कला बहुत शुक्रिया यार। अच्छा वो भाई जो हमारे साथ जुड़ते हुए जा रहे हैं, वो लोग जिनके पास फीड नहीं जा रही उन लोगों के लिए शेयर भी करते रहें। शुएब ये ट्रांस कैटल फार्म है जो इस साल आया है और माशाल्लाह से बेहतरीन कलेक्शन के साथ आया है, उसके दो बछड़े यहाँ पे आए हुए हैं तो वो भी आपको कवर करते हुए दिखा रहे हैं। मुइज़ बिल्कुल सही कह रहे हो यार, बहुत ज़बरदस्त इन्वायरमेंट उन्होंने बनाया हुआ है, एक अच्छा सा माहौल भी है, वीडियो बनाने में मज़ा आ रहा है, देखने में मज़ा आ रहा है। आप लोग देख रहे हो तो शायद आप लोगों को भी अच्छा ही लग रहा होगा। अभी ये बछड़ा आया है, ये भी इसको भी दिखाते हैं आपको पूरा कवर करके। इसको यूं घुमा लीजिए, इसकी हाइट चेक करें, माशाल्लाह क्रॉस बछड़ा है। मुझे कैमरा भी ऊपर लेके जाना पड़ रहा है इसकी हाइट दिखाने के लिए, तो मैं थोड़ा सा घुमाता हूँ। माशाल्लाह। अच्छा ये दोनों बछड़े माशाल्लाह साइज़ में भी, भराव में भी और खूबसूरती में भी कहीं से भी कमी पेशी नहीं है। तहजीब ये दोनों साथ खड़ा कर रहे हैं, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। फरहान साबिर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, खैरियत से हो, बहुत लेट आए हो, मैं नोट कर रहा हूँ तुमने हमारा लाइव देखना छोड़ दिया है। अच्छा दोनों बछड़े साथ आ रहे हैं तो दोनों को भी एक कैमरे में कवर करने की कोशिश करते हैं। माशाल्लाह एक और आ रहा है। बड़े तो बड़े बच्चों का आप शौक चेक करें, ईद वैसे ही बच्चों की होती है और यहाँ पे बच्चों का आप शौक चेक करें। माशाल्लाह ये फैजी भी बिल्कुल बीच में आ गया, आप ज़रा वजूद, हाँ हाँ बिल्कुल आओ, रुक जाओ वहीं पे, रुक जाओ वहीं पे, रुक जाओ थोड़ा सा पीछे जाओ, थोड़ा सा पीछे जाओ, बीच में चले जाओ। ये हमारे फैजान साहब हैं, इनको लाने का मकसद यही है कि आपको बछड़ों का वजूद दिख सके, हाइट दिख सके, भराव दिख सके। फैजान तो नज़र भी नहीं आ रहा है, नहीं तो फैजी से बोलना ही काम मुझसे करवा रहा है। हाँ माशाल्लाह फैजी उस पे हाथ रख। मोहम्मद अहमद कादरी ये बछड़ा फरहान सोसाइटी दोरा जी में आया हुआ है लेकिन घर के अंदर है, तो शायद आप लोग अगर आते हो तो आप लोग अंदर आने शायद ना दिया जाए, यही वजह है कि आपके लिए आपका भाई ये वीडियो बना रहा है और आपको घर बैठे इंजॉय कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। मुझे बिल्कुल सही कह रहे हो, ट्रांस फार्म की सारी ब्यूटी जो है ना सना भाई अकेले लेके चले गए।
माशाल्लाह इसका साइज है यार, थोड़ा और चिपको उसका। जाओ रेल को मार लगाओ। नहीं 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 मैं राइट। सही महफिल लगी है भाई घर पे, देखे यहाँ पे सब बैठे हुए भी हैं, पार्टी कर रहे हैं। और बकरीद का यही मज़ा है भाई, आप बैठो पूरी पूरी रात बैठे रहो, जानवर देखते रहो, बड़ा मज़ा आता है। और अभी वैसे भी गर्मी है तो बंदा दिन भर तो उनके साथ रह नहीं पाता उस तरह। आई एम वॉचिंग फ्रॉम फरहान सोसाइटी, ये कौन है? फरहान का पार्टी है, फरहान का पार्टी और फरहान सोसाइटी क्या बात है? अच्छा पड़ोसी हैं। अच्छा बच्चे ने कंफर्म कर दिया कि पड़ोसी हैं। अब इसे टहलाते हुए बांधने लोगों से बात करते रहो, इसी तरीके से लोगों से बात करने का मौका मिल जाएगा। मरियम सुल्ताना आपने क्वेश्चन मार्क भेजा हुआ है, मैंने आपका कमेंट नहीं लिया है, आप दोबारा पूछ लो, मैं बताता हूँ। माशाल्लाह भाई बेहतरीन फरहान का पार्टी। वहाँ पे पड़ोसी भी जो है कहीं से बैठ के पड़ोस में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। मोबाइल की बैटरी डाउन हो रही है, लगता है हमें एंड करना पड़ेगा। हाँ अब इजाज़त लेने का वक्त आ गया है, इंशाल्लाह हम यहाँ से दोबारा लाइव आएंगे, क्योंकि अभी इनके मज़ीद और जानवर आना, ऊँट वगैरह रहते हैं, तो सना भाई जैसे ही लाते हैं तो इंशाल्लाह दोबारा यहाँ से लाइव आएंगे और आपको मज़ीद यहाँ के और शौक दिखाएंगे। बाकी अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कैमल जो है वो आ जाएगा इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर, एक दो दिन के अंदर आ जाएगा इंशाल्लाह, और हम भी एक दो दिन के अंदर दोबारा वापस आ जाएंगे यहाँ पे। बाकी कल की को कमिटमेंट कर लिया मैंने अस्करी फोड़ दी। ये है सना भाई पब्लिक को नहीं दिखा रहे, नहीं इस बार घर के अंदर है, पहले बाहर बना होता था इसलिए घर के अंदर है, तो आप लाइव पे ही देख सकते हैं। चले भाई ज़्यादा चाहते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है दोबारा वर्चुअली। अल्लाह हाफ़िज़।